हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्री फास्ट ट्रैक विद एग्री वाला। दोस्तों, आपको बता दें 25 अगस्त 2021 यानी कि आज बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर इसका एग्ज़ाम लगा था। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, जो हॉर्टिकल्चर का ये पोर्शन है, इसका आज एग्ज़ाम था। दोस्तों, इसमें बात की जाए तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे 60 थे, जिसमें हमें 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे और 1.5 घंटे का टाइम दिया गया था। मैक्सिमम मार्क्स जो थे 50 थे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पेपर का जितने भी 60 क्वेश्चन आए थे सभी प्रश्नों का पूरा एनालिसिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर एक, जूस पल्प प्रेजेंट इन स्क्वैश। स्क्वैश होता है इसमें, जूस या पल्प जो होता है कितने परसेंट प्रेजेंट होता है? तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट होता है, 25%। नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड, परसेंट सॉल्ट एक्ट एज प्रिजर्वेटिव, जो पिकल्स वगैरह जो बनाए जाते हैं उनमें साल्ट जो होता है प्रिजर्वेशन का काम करता है, प्रिजर्वेटिव का काम करता है। प्रिजर्वेटिव कहा जाता है, पिकल्स बनाए जाते हैं उनमें साल्ट प्रिजर्वेटिव का काम करता है। तो कितने परसेंट जो होता है साल्ट यूज किया जाता है? तो इसमें आता है सी ऑप्शन करेक्ट है, 15% साल्ट यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्कलेशन इज, कौन सा एंजाइम जो होता है डिस्कलेशन के लिए जो होता है उत्तरदायी होता है? तो आता है सी ऑप्शन, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज, PPOB जो कहा जाता है, PPO पानी पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, ड्राइंग इन सन इज नोन एज, क्या कहा जाता है इसे? ये ऑप्शन करेक्ट है, ड्राइंग सूर्य के द्वारा या जो होता है वायु के द्वारा जो ड्राइंग करी जाती है उसे ड्राइंग ही कहा जाता है। और जो डिहाइड्रेटर जो मशीन होती हैं उनके द्वारा जो ड्राइंग की प्रोसेस करी जाती है उसे डिहाइड्रेशन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन करेक्ट है, ड्राइंग। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच फ्रूट इज मोस्ट सूटेबल फॉर कैनिंग, कौन सा फ्रूट जो होता है कैनिंग के लिए मोस्ट सूटेबल होता है? तो इसमें आता है ऑप्शन नंबर सी, पाइनएप्पल। दोस्तों, यहाँ पे पाइनएप्पल और लोकार दोनों जो होते हैं कैनिंग के लिए डिब्बाबंदी के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन मोस्टली जो होता है पाइनएप्पल ही यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, सूटेबल फ्रूट फॉर कैंडी प्रिपरेशन, कौन सा फ्रूट जो होता है कैंडी के लिए उपयुक्त है, अच्छा माना जाता है? तो आंवला आता है, बी ऑप्शन करेक्ट है, आंवला। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, सूटेबल फ्रूट फॉर स्क्वैश मेकिंग, कौन सा फ्रूट जो है स्क्वैश के लिए उपयुक्त है? तो देख, इसमें पपाया, बेर, ऑरेंज और बनाना ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सी ऑप्शन सही है, ऑरेंज। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एट, फ्रूट प्रिजर्वेशन एंड कैनिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, कहाँ है ये? लखनऊ हमारा है, बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। फिर आता है क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, सूटेबल वेजिटेबल फॉर प्रेजर मेकिंग, कौन सी वेजिटेबल जो होती है मुरब्बा बनाने के लिए उपयुक्त होती है? तो आता है सी ऑप्शन करेक्ट है, एस गार्ड, जिसे कुमड़ा कहते हैं या इसे वैक्स गार्ड भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टेंथ, क्रिस्टलाइजेशन इज प्रॉब्लम ऑफ, क्रिस्टलाइजेशन जो होता है किसकी प्रॉब्लम है? तो यहाँ पे आता है ये ऑप्शन करेक्ट है, जैम, जैम की प्रॉब्लम है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों क्रिस्टलाइजेशन जो होती है जैम की प्रॉब्लम होती है, और क्रिस्टल फॉर्मेशन जो होता है वो जेली की प्रॉब्लम होती है, क्रिस्टल फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नंबर इलेवेंथ, ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर किल्ड इन प्रोसेस ऑफ, जिस क्रिया के द्वारा मतलब सूक्ष्म जीवाणु जो भी होते हैं सभी नष्ट हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो उसे स्टरलाइजेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ, जैम इज प्रिजर्व विद हेल्प ऑफ, जैम को किसके द्वारा संरक्षित रखा जाता है या किसके द्वारा प्रिजर्वेशन किया जाता है जैम का? तो आता है इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है, शुगर, शुगर जो होता है इसमें प्रिजर्वेटिव का काम करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच एसिड इज डोमिनेटेड इन विनेगर, सिरका में किस अम्ल की अधिकता होती है? तो इसमें आता है सी ऑप्शन करेक्ट है, एस्टिक एसिड। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। 14, विच कंपाउंड इज टेस्टेड इन टोमेटो सॉस फॉर एडल्ट्रेशन, तो इसमें आता है बी ऑप्शन करेक्ट है, लाइकोपिन, लाइकोपिन करेक्ट है, 14 का बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। 15, अनियन वैरायटी सूटेबल फॉर पिकल मेकिंग, तो इसमें आता है सी ऑप्शन करेक्ट है, अर्का बिंदु, अर्का बिंदु ये किसकी वैरायटी है? अनियन की वैरायटी है, और बाकी जो हैं अनियन की वैरायटी है ही नहीं, पूछा लालिमा या मैंगो की वैरायटी है, और पूछा बिंदु ये ब्रिंजल की वैरायटी है, और पूछा कल्याण भी होता है अनियन की वैरायटी नहीं है, क्योंकि अर्का कल्याण जो है वो अनियन की वैरायटी है, तो इसमें एक ही वैरायटी अनियन की दी गई है, तो यही सही होगा, सी ऑप्शन करेक्ट है, और बाकी अनियन की वैरायटी है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं।
16 पाश्चुराइजेशन एवरेज टेम्परेचर रेंज बिटवीन जो है, पाश्चुराइजेशन जो है पाश्चुरीकरण प्रोसेस जो होती है उसका एवरेज टेम्परेचर क्या होता है, तो एवरेज टेम्परेचर होता है इसका 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सुइटेबल प्रिजर्वेटिव फॉर कलर्ड प्रोडक्ट, तो इसमें कौन सा प्रिजर्वेटिव जो कलर्ड प्रोडक्ट के लिए उपयुक्त है, तो इसमें 17 का जो है ऑप्शन सी सही है, सोडियम बेंजोएट। ठीक है दोस्तों, और नॉन कलर्ड जो होते हैं, यहाँ पे कलर्ड प्रोडक्ट पूछा गया है, तो कलर्ड प्रोडक्ट जो होते हैं इनके लिए आता है सोडियम बेंजोएट, और जो नॉन कलर्ड प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए आता है पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड, KMS जिसे बोला जाता है, KMS, ये पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड होता है, ये नॉन कलर्ड फ्रूट के लिए यूज किया जाता है, नॉन कलर्ड जो प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। 18th आर्टिफिशियल कोटिंग ऑफ वैक्स इज नॉन एज, क्या कहते हैं इसे, ये ऑप्शन करेक्ट है, वैक्सिंग कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। सुइटेबल फ्रूट फॉर चिप्स प्रिपरेशन, कौन सा फ्रूट जो होता है चिप्स के लिए उपयुक्त है, तो आता है डी ऑप्शन करेक्ट, बनाना, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। साइट्रिक एसिड ऑब्टेन फ्रॉम दिस फ्रूट, जो साइट्रिक एसिड होता है वो किस फ्रूट के द्वारा या किस फल से जो होता है प्राप्त किया जाता है, तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है, सिट्रस, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सिट्रस। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। मोस्ट सुइटेबल फ्रूट फॉर जेली मेकिंग, जेली के लिए उपयुक्त फल जो है गुआवा, सी ऑप्शन करेक्ट है, गुआवा आता है जेली मेकिंग के लिए कहता है। क्वेश्चन नंबर 22। पल्पी फ्रूट आर सुइटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ, पल्पी फ्रूट जो है किसके प्रिपरेशन के लिए जो है सुइटेबल होते हैं, तो आता है जैम, इसमें जो है जितने गूदेदार फल होते हैं वो किसके लिए यूज किए जाते हैं, तो जैम के लिए यूज किए जाते हैं, इसका ऑप्शन ए सही है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कार्बोनेशन, जो कार्बोनीकरण होता है प्रोसेस है, ये किससे संबंधित है, किसमें की जाती है, तो आते हैं बेवरेज जितने भी होते हैं, पेय पदार्थ जो होते हैं उनमें कार्बोनीकरण या कार्बोनेशन प्रोसेस करी जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। विच वन ऑफ द फर्मेंटेड प्रोजेक्ट, जो है इसमें कौन सा फर्मेंटेड प्रोडक्ट है इनविद पदार्थ, तो आता है वाइन, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25। विच वन इज नॉट परमानेंट मैथड ऑफ प्रिजर्वेशन, कौन सा मैथड जो है परमानेंट प्रिजर्वेशन का नहीं है, तो इसमें आते हैं एसेप्सिस, ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही ऑप्शन, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, एसेप्सिस, इसमें ड्राइंग भी परमानेंट है, स्टेलाइजेशन भी परमानेंट है। ठीक है दोस्तों, एसेप्सिस ही जो होता है नॉन परमानेंट प्रिजर्वेशन का ऑप्शन दिया गया है, यही सही है। फिर इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 26। क्वालिटी कंट्रोल बॉडी ऑफ प्रोसेस्ड प्रोडक्ट इज एपीओ, फूड प्रोडक्ट आर्डर 1955। ठीक है दोस्तों, 1955 फूड प्रोडक्ट आर्डर सही होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निफ्टम इज इस्टेब्लिश इन विच स्टेट, तो ये कहाँ है, तो निफ्टम है जो है हरियाणा, यानी कहाँ, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट जो है हरियाणा में, वहाँ यह है सोनीपत, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में यह है निफ्टम। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28। CFTRI लोकेटेड कहाँ है, तो मशहूर कर्नाटक में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29। विच वन इज माइल्ड एंटीसेप्टिक, जो है माइल्ड यानी माइल्ड एंटीसेप्टिक है, तो आता है इसमें टर्मेरिक, हल्दी, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। हु इज द फादर ऑफ कैनिंग, कैनिंग के पितामह या जनक कौन है, तो इसमें आते हैं एम निकोलस एपार्ट, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। ऑफ लिवर अकर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, ऑफ लिवर जो है किसके कारण आती है, तो इसमें आता है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, पेरोक्सीडेज जो है ऑफ लिवर के लिए होता है, रिस्पॉन्सिबल एंजाइम है। क्वेश्चन नंबर 32। माइकोटॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाई, तो माइकोटॉक्सिन जो है किसके द्वारा प्रोड्यूस्ड किया जाता है, तो इसमें था बी ऑप्शन करेक्ट है, मोल्ड, मोल्ड के द्वारा जो है माइकोटॉक्सिन एक विषैला पदार्थ जो है ये मोल्ड के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। सुइटेबल वेजिटेबल फॉर ड्राइंग, कौन सी वेजिटेबल जो होती है ड्राइंग के लिए उपयुक्त मानी जाती है, तो इसमें दो ऑप्शन दोस्तों सही है, लेकिन मोस्टली जो है बिटर गार्ड यूज किया जाता है, और यहाँ पे ब्रिंजल को भी जो है ड्राइंग में ड्राइंग के लिए होता है सूटेबल है, लेकिन मोस्टली यहाँ पे बीटर गार्ड को यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35। इन केस ऑफ जेली प्रिपरेशन शुगर इज एडेड ऑफ द बेसिस ऑफ, तो इसमें आता है पैक्टिन ग्रेड, शुगर जो है जेली में किसके आधार पर जो है उसमें ऐड करी जाती है, तो पैक्टिन ग्रेड को पहले जो है चेक किया जाता है, उसके बाद में जो है उसी के आधार पर इसमें कितनी शुगर हमें ऐड करनी है, तो वो पैक्टिन ग्रेड से ही हमें पता चलता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36। कैन यूज फॉर कैनिंग ऑफ पी, कौन सी कैन जो होता है पी की कैनिंग के लिए यूज करी जाती है, तो यहाँ पे SR कैन होता है, सल्फर रेसिस्टेंट कैन जो होती हैं, सल्फर रेसिस्टेंट कैन जो होती हैं दोस्तों किसके लिए, फॉर वेजिटेबल, वेजिटेबल के लिए यूज करते हैं,
और AR एसिड रेसिस्टेंट कैन जो होती हैं किसके लिए यूज की जाती हैं, तो ये फ्रूट के लिए यूज करी जाती हैं, जो फ्रूट होते हैं उनके लिए एसिड रेसिस्टेंट कैन, और जो होते हैं वेजिटेबल जो होते हैं इनके लिए सल्फर रेसिस्टेंट कैन यूज करी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, सल्फर रेसिस्टेंट कैन जो होती हैं इन्हें सी एनेमल और इसे जो होता है आर एनेमल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, स्टोरेज टेम्परेचर फॉर मैंगो स्टोरेज के लिए, आम के भंडारण के लिए स्टोरेज टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 7 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है दोस्तों, कई कई जो है किताबों में डिफरेंट डिफरेंट दिया गया, कहीं 8 से 9 होगा या 9 से 10 दिया होगा, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन जो है ये सही होगा, 7 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जीरो एनर्जी, क्वेश्चन नंबर 38, जीरो एनर्जी कूल चैम्बर डेवलप्ड इन IARI द्वारा डेवलप किया गया, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए सही है, IARI के द्वारा डेवलप किया गया। ठीक है दोस्तों, फिर क्वेश्चन नंबर 39, प्रिजर्वेटिव यूज फॉर टोमेटो केचप इज, तो कौन सा प्रिजर्वेटिव होता है टोमेटो केचप के लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ पे आता है सोडियम बेंजोएट। कलर्ड प्रोडक्ट के लिए भी बताया था सोडियम बेंजोएट, नॉन कलर्ड के लिए पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, KMSB से कहा जाता है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड को। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40, पिकलिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, पिकलिंग जो है यानी गुदाई जो होती है, गुदाई वो किसकी मुख्य क्रिया है, किसको बनाने में यानी इसका यूज किया जाता है, तो आता है यहाँ पे प्रिजर्व जो होते हैं मुरब्बा, इसको बनाने के लिए होता है इसमें फलों की गुदाई करी जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, आइडियल pH ऑफ एक्सट्रैक्ट फॉर जेली प्रिपरेशन, जेली प्रिपरेशन के लिए आइडियल pH क्या होना चाहिए, यानी जेली प्रिपरेशन के लिए जो है एक सर्वोत्तम pH या आदर्श pH कितना होना चाहिए, तो इसमें आता है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी सही है, 3.2, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, सिनरेसिस इज जेली अकर ड्यू टू, जो है सिनरेसिस किसके कारण होती है जेली में, तो आता है ए ऑप्शन एक्सेस ऑफ एसिड, बी ऑप्शन इनसफिशियंट पैक्टिन, सी ऑप्शन लेस क्वालिटी ऑफ शुगर, डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज, तो थर्ड डी ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज, ऑल थ्री जो दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, एंटीबायोटिक यूज इन प्रिजर्वेशन ऑफ टोमेटो एंड मशरूम, मशरूम और टोमेटो के लिए कौन सा प्रतिजैविक जो है यूज किया जाता है, तो इसमें आता है नियासिन जो है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, प्रोसेस ऑफ स्वीटिंग इज डन इन, तो ये किससे संबंधित है यानी किसमें करी जाती है, तो आती है ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ड्राइंग। दोस्तों ये स्वेटिंग जो होती है क्या होती है, तो इसमें क्या होता है कि जब फलों को, जो फलों के टुकड़े होते हैं इनको जब धूप में या फिर वायु में सुखाया जाता है, तो इनमें मॉइस्चर होती है एक समान नहीं हो पाती है, तो जब इनको इनकी जो है डिब्बाबंदी करी जाती है, तो इसमें डिब्बे को बंद कर दिया जाता है, इसमें फल को जो है जो फल के टुकड़े होते हैं इनको भर दिया जाता है उसमें पहले, उसके बाद इनको बंद करके जो होता है स्वेटिंग की प्रोसेस करी जाती है, जिससे क्या होता है एक समान जितने भी उसमें टुकड़े भरे गए हैं उनमें एक समान मॉइस्चर रहे, तो इसके लिए होता है स्वेटिंग प्रोसेस करी जाती है। ठीक है दोस्तों, इसमें ये ऑप्शन सही है, ड्राइंग। आगे देखते हैं। फ्लेम पीलिंग, क्वेश्चन नंबर 45, फ्लेम पीलिंग इज यूज फॉर द पीलिंग ऑफ, फ्लेम पीलिंग किसमें यूज करी जाती है, तो आता है ये अनियन, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अनियन गार्लिक वगैरह ये हो गए इनमें फ्लेम पीलिंग करी जाती है, और ये जो है पोटैटो इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो है स्टीम पीलिंग होती है, पोटैटो में क्या होता है स्टीम पीलिंग होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, इन ब्रैंक सॉल्यूशन परसेंटेज ऑफ साल्ट अकर, तो ब्रैंक सॉल्यूशन में साल्ट की कितना परसेंटेज रखा जाता है, तो आता है 1 से 3%, 1 to 3%, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद देखते हैं 47 का जो है फिच मेथड ऑफ पीलिंग इज नोन एज केमिकल पीलिंग, तो आता है इसमें लाई पीलिंग, इसमें NaOH सोडियम, इसमें क्या होता है, इसमें NaOH जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसका यूज किया जाता है लाई पीलिंग के लिए या केमिकल पीलिंग के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48, फॉर द ड्राइंग ऑफ फ्रूट द टेम्परेचर रेंज ऑफ डिहाइड्रेटर कैप्ड, फलों को सुखाते समय डिहाइड्रेटर का ताप जो होता है कितना रखा जाता है, तो इसमें आता है सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 66 से 71 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर वेजिटेबल यहाँ पे होता है कि जो होता है वेजिटेबल को सुखाते समय डिहाइड्रेटर का तापमान कितना रखते हैं, तो दोस्तों ये 60 से लेकर 66 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है वेजिटेबल के, 60 से 66, और जो होता है फ्रूट के लिए 66 से 71 होता है। ठीक है दोस्तों, हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, वेजिटेबल आर स्टेरिलाइज्ड एट द टेम्परेचर ऑफ, जो है सब्जियों में निर्जमीकरण हेतु तापमान कितना रखा जाता है, तो यहाँ पे 116 डिग्री सेंटीग्रेड, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 116 डिग्री सेंटीग्रेड। और फ्रूट जो होता है उसमें कितना रखा जाता है, तो आता है ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये फ्रूट के लिए होता है
और वेजिटेबल्स के लिए 116 डिग्री, 116 से लेकर यानी 115 से लेकर 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक रखा जाता है, लेकिन यहाँ पे हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग 116 सही होगा और फ्रूट के लिए 100 डिग्री रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, इन रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर रेंज बिटवीन कितना होता है, तो आता है ये ऑप्शन सही है 0 से लेकर 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, इन केस ऑफ फ्रूट कैनिंग शैल डिफ्यूजन यूज, तो इसमें ये ऑप्शन सिरप फलों में डिब्बाबंदी में इस घोल का प्रयोग होता है, यानी तो किसका होता है, सिरप। सिरप जो होता है इसका फलों में होता है, फलों में सिरप, और ब्राइन किस में यूज करी जाती है, तो वेजिटेबल के लिए ब्राइन होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, प्रिजर्वेटिव यूज फॉर अनियन पिकल, जो होता है प्याज होता है इसका पिकल बनाया जाता है, तो उसमें किस प्रिजर्वेटिव को यूज किया जाता है, तो उसमें आता है तुम्हारा एस्टिक एसिड, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53, जेल मीटर इज यूज फॉर, जेल मीटर किसके लिए यूज करते हैं, तो पैक्टिन ग्रेड के लिए यूज किया जाता है जेल मीटर। जेल मीटर पैक्टिन ग्रेड के लिए जेल मीटर यूज करते हैं, और TSH के लिए जो होता है हैंड रिफ्रैक्टोमीटर यूज करते हैं, और ब्राइन सॉल्यूशन में जो होता है नमक जो होता है उसका परसेंटेज ज्ञात करने के लिए शेलोमीटर यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, TSH ऑफ प्रेजर, प्रेजर मुरब्बा जो होता है इसका TSH कितना रखा जाता है, तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, 70% या 70 डिग्री जो होता है वो क्या होता है, TSH प्रेजर का जो होता है सही होता है इसका, 68 टू लेकर 70 तक सही होता है। यहाँ पे 70 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 70 सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रॉब्लम ऑफ ब्लैक नेक अकरिन जो होता है 55 जो होता है, प्रॉब्लम ऑफ ब्लैक नेक अकरिन होता है, ब्लैक नेक किसकी प्रॉब्लम है किससे, तो ये होता है आपका डी ऑप्शन सही होता है, केचप। केचप में ब्लैक नेक हो जाती है, जो बॉटल होती है उसके ऊपरी भाग में जो होता है, जो बॉटल की नेक होती है नेक टाइप में, तो वहाँ पर ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है, उसे ही ब्लैक नेक कहा जाता है, तो ये केचप इसमें सही होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56 जो होता है इसमें आता है अमाउंट ऑफ SO2 यूज इन RTS, RTS जो होता है इसमें कितने परसेंट कितने PPM अमाउंट जो होता है SO2 का यूज किया जाता है, तो आता है 100 PPM। ठीक है दोस्तों, RTS के लिए 100 PPM SO2 यूज करी जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57, रिफ्रैक्टोमीटर यूज फॉर जजिंग किसके लिए, TSS, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, जजिंग TSS को जज करने के लिए रिफ्रैक्टोमीटर का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58, ब्रांचिंग ऑफ वेजिटेबल डन इन, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, कैनिंग। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 59, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर पास इन ईयर, फ्रूट प्रोडक्ट आर्डर जो है कब पास हुआ, तो आता है बी ऑप्शन सही है, 1955 में पास हुआ। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद आता है हमारा ये लास्ट क्वेश्चन 60, जर्नल खाद्य विज्ञान पब्लिश्ड बाय, जो खाद्य विज्ञान जर्नल है पत्रिका, ये किस कहाँ से पब्लिश करी गई, तो आता है बी ऑप्शन करेक्ट है, मैसूर, मैसूर कर्नाटका से पब्लिश करी गई। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन पेपर, इसमें पूरे 60 क्वेश्चन दिए गए थे, तो दोस्तों हम लोग इसका पूरा एनालिसिस कर चुके हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, जो भी लोग आज पेपर देखे आए हैं तो उन तक ये वीडियो पहुँचाएँ, ताकि उनको भी पता चले कि उनका कितना क्वेश्चन सही है और कितने क्या मार्क्स आने वाले हैं उनके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।